ये बहुत पहले जब लाइक दो हज़ार की बात है कि जब भी कभी आई वॉज ट्राइंग आई वॉज डिस्कवरिंग म्यूजिक एंड आपको कभी भी किसी 1980s के 1970s के एल्बम के बारे में देखना होता था विकीपीडिया वॉज द ओनली सोर्स सो दैट इज़ हाउ आई केम टू नो अबाउट विकीपीडिया एंड लेटर ऑन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यू एग्ज़ाम्स आई हैड ऑलरेडी गिवन द एग्ज़ाम वंस द सेकेंड टाइम आई थॉट इस बार मैं क्या करूँगा पढ़ते वक्त मैं अपने सारे नोट्स विकी बुक्स पे डाल दूंगा इट वॉज नॉट आउट ऑफ एनी अल्ट्रुस्टिक मोटिवेशन कि दूसरों को भी काम आएगा इट वॉज जस्ट लाइक एक्साइटमेंट कि चलो ठीक है एक वेबसाइट है जिस जिसपे मैं कुछ डाल रहा हूँ कुछ दिखाने को रहेगा सो दैट वॉज द मोटिवेशन एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल बिगेन उसके बाद वंस आई हैड माई फर्स्ट एक्सपीरियंस आफ्टर दैट इट वॉज लाइक ओके दिस इज़ वेरी दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग हाउ वेल्स कैन आई यूज़ इट एंड हुफिट फ्राम इट एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन वेरी डिफरेंट लाइक आप बाकी सब पार्टिसिपेंट से पूछें तो दे हैव बिन कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेल आई हैव बिन कंसिस्टेंटली आस्किंग द क्वेश्चन कि जितने लोग इसको यूज़ कर सकते हैं या जितने लोग इससे बेनिफिट हो सकते हैं वो हो क्यों नहीं रहा तो वो ही एक अलग लाइन ऑफ इंक्वायरी बन चुका है मेरा तो आई हैव कंट्रीब्यूटेड वंस और टवाइज इन अयर रेगुलरली but my biggest contributions are to understand how internet works how habits work uh, what are the motivations of people who join on uh, two different communities online so i think more than actual contributions in terms of articles understanding the dynamics ki search karega kitna time dega aur kaise communities build up hoti hai uska jo understanding mera build up hua over the last 5 6 years i think that is my bet, uh, that is माई वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्यूनिटी अच्छा कॉन्फ्रेंस इज़ आर रियली यूजफुल बिकॉज यू आप कहीं भी रहते हो तो यू आर नॉट ऑलवेज अमॉन्ग्स लाइक माइंडेड पीपल तो आप चार पाँच लोग आपके खास दोस्त होते हैं उसमें आप अपने आप, टाइप का अकेले ही होते हो बट कॉन्फ्रेंस में आप आते हो तो आपको पता लगता है कि आपके जो फ्रस्ट्रेशन है आपके जो एक्साइटमेंट्स हैं आप जिस चीज़ से जिस चीज़ के बारे में पूरा दिन सोचते हो वैसे ही और भी लोग हैं तो आपकी मतलब तुरंत पटती है एक, एक दस मिनट लगते हैं आपको एक दूसरे को पह, जानने पहचानने में और आप उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो जो आप जनरली अपने जनरली जिनके बारे में बात करने के लिए आपको इंटरनेट पे जाना पड़ता है वो आप फ़ेस टू फेस किसी के साथ बात कर सकते हो तो और कॉन्फिडेंस रहता है कि देखिए मैं अकेला नहीं हूँ इस मामले में मेरी जो प्रॉब्लम है किसी और की भी प्रॉब्लम है एंड हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं